बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के तहत 11 फरवरी को सासाराम आ रहे हैं। वह सबसे पहले विक्रमगंज के नोनहर गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पंचायत स्तर पर चल रहे तमाम योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। जिले के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसके बाद बताया गया कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं जदयू नेता ललन पासवान ने बताया कि तमाम गठबंधन के साथी सीएम के आगमन की तैयारी में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लीडर हैं, देश के सम्मान नेता में से हैं और हम लोग के तो भाई सब कुछ वही है। और जब वो आ रहे हैं तो पूरी पार्टी खुश है, पूरी पार्टी जश्न में है और सब जगह पर गेट बैनर वगैरह वगैरह की व्यवस्था की जा रही है और मुख्यमंत्री जी को पूरे ही कार्यकर्ता ताकत से उनका स्वागत करेगा, जोरदार स्वागत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की आगमन 11 तारीख को समाधान यात्रा में कई जगहों पर है और उसके पार्टी के तरफ से, चूँकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आज पार्टी के सभी हम लोग विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अजय जी के और हम सभी माननीय विधायक डॉक्टर अशोक जी, वशिष्ठ जी, शांत सिंह और बाबू ये वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि है, अत्यंता की धरती है। हमेशा नीतीश कुमार जी जब आए हैं तो दुल्हन की तरफ सज के तैयार रहता है उनका स्वागत करने। इस बार भी पूरे रोहतास में चारों तरफ गेट और बैनरों से दुल्हन की तरह सजा के रोहतास अपनी मिट्टी पर भव्य स्वागत करेगा।